फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं चटनी के लिए मैंने लिया है भांग। आंसू भी आ रहे हैं आंखों में, बहुत टेस्टी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, पहलाद, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिके बोरा व्लॉग्स में। होप्स आप लोग अच्छे होंगे और हम भी आपकी दुआ से मस्त है। आज के व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं आपको खिलाने वाली हूँ पहाड़ी भांग की चटनी, वो भी सिलबट्टे वाली। और भांग सुन के आप ये मत समझना कि उसमें कोई नशा है या कोई नशे वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो भांग के दाने होते हैं, हम इंग्लिश में हैम सीड्स भी बोलते हैं, और ये इजिली आजकल अवेलेबल हो जाता है। पहले ये इजिली अवेलेबल नहीं होता था, तो आजकल ये अवेलेबल हो जाता है। और आज मैं आपको इसकी चटनी बना के दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं और भांग की, पहाड़ी भांग की चटनी बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं चटनी के लिए मैंने लिया है भांग, भांग के दाने हैं। इनको स्पेशली सर्दियों में बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है बॉडी के लिए, तो गर्मियों में अगर आप इसे खाएंगे तो आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम सर्दियों में बनाते हैं। तो आज मैं इसी की चटनी आपको खिलाने वाली हूँ बना के। तो ये है भांग हैम सीड्स, और मैंने एक अनियन ले लिया है, दो मैंने मिर्ची ले ली है, और तीन मैंने टमाटो ले लिया टमाटर। और मैं इन्हीं की हर चटनी बना के आपको खिलाऊंगी। और मेरे पास पुदीना नहीं था तो इसलिए पुदीना स्किप कर दिया, और क्योंकि अभी मुझे मार्केट में मिला नहीं कहीं और मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है चटनी, तो मैं इन्हीं चीज़ों से आज आपको बना के खिलाऊंगी चटनी। यह है सिलबट्टा, तो आज आपको सिलबट्टे की चटनी बना के खिलाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। फ्रेंड्स, अगर आप पास से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये धनिया के दाने हैं, बट ये धनिया के दाने नहीं हैं, ये भांग ही है। और पहाड़ी लोग इसे देखेंगे तो वो इजीली पहचान लेंगे, और दूसरे लोग इसको नहीं पहचान सकते, या जिसने इसकी चटनी खाई होगी वो इसको इजीली पहचान लेंगे। तो देखते हैं कैसी बनती है। और अभी मैं इसको करने वाली हूँ साफ, क्योंकि इसमें थोड़े ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़े डंडियाँ वंडियाँ हैं, थोड़ा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसको थोड़ा हम रोस्ट करेंगे तवे में। तो चलिए करते हैं, ये साफ हो चुका है, अब मैं इसको तवे में रोस्ट करूँगी। तो ये मैं तवे में डालती हूँ, अब जब तक ये थोड़ा हल्का ब्राउन ना हो जाए और थोड़े और ये चट चट की आवाज़ करना शुरू ना कर दे, तब तक हमें इसे तवे में भूनना है। अब देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अब चट चट की आवाज़ करने लग गया, और ये और इसमें थोड़ी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से, अब ये चटनी बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए चलते हैं, अब इसको हम थोड़ा ठंडा करने के लिए लगा देते हैं। अब ये मैं खाली कर देती हूँ प्लेट में, और अभी इसे हम ठंडा करने लगा देते हैं। देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं टमाटर, अपने गैस में सेक के ताकि इनके छिलके निकल जाएं और ये इजीली सिलबट्टे में पिस सके। और उससे एक तो वो जल्दी पिसता है, ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, तो अब मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने अभी टमाटर पे कट्स लगा लिए हैं। गैस में हम भूनेंगे तो इसका छिलका हल्का हल्का निकलने लगता है, तो अगर हम कट्स करते हैं तो वो जल्दी ही रिमूव हो जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब मैं इसे गैस में भून रही हूँ हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करना हमें, हल्का करना ताकि इसका जो बाहर का छिलका है वो निकल जाए। तो ये देखिए, ये छिलका हल्का हल्का रिमूव होने लग रहा है, तो हम इसको निकाल देते हैं गैस से। देखिए, मैंने टमाटर के छिलके निकाल दिए, और अब मैं ये प्याज को थोड़ा सा इसको चॉप करूँगी ताकि सिलबट्टे में पीसने के लिए इजी रहे, क्योंकि ऐसे पीसने में मुश्किल रहता है, तो मैं इसको हल्का सा चॉप करूँगी। देखिए, मैंने प्याज को हल्का सा चॉप कर लिया, अब इसको पीसने के लिए इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं अनियन पीस लूँ सिलबट्टे।
आंसू भी आ रहे हैं आंखों में, पर बनाएंगे और खाएंगे। मेन प्याज में नहीं करूँगा क्योंकि प्याज पीसने से आंख में आंसू आता है और प्याज हमें रुलाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और बिना प्याज के कोई मजा नहीं आता। नहीं हरी मिर्च पीसिए और उसके बाद हम पीसेंगे हाथ और मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद हमारी चटनी तैयार। बड़ी तेज मिर्चियाँ नाम मिला रहा है मैंने तो दो मिनट में आप आपके टेस्ट के बाद अगर आपको स्पाइसी पसंद का बढ़ा सकता है तो स्पाइसी पसंद तो आप भी कर सकते हैं। मैंने तो मिक्सर कर दी अच्छे से फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा पिस चुका है। इसमें प्याज टमाटर मिर्ची और भांग के दाने मैं पिस चुकी हूँ और अब डालने जा रहे हैं मसाले। तो चलिए मसाले डालते हैं लास्ट। अभी मैं जैसे कि मेरे पास अभी नींबू नहीं है तो नींबू के रिप्लेस में मैं आमचूर डालती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी आमचूर पड़ा है। तो मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार आमचूर डाल ताकि थोड़ा खट्टा हो जाए और चटनी का टेस्ट बढ़ जाए इससे। और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार और मिर्ची ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं कोई मसाले यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं देखती हूँ कैसे बने। फ्रेंड्स मसाले ऐड हो चुके हैं और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मेरा तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है, आपका भी आ रहा होगा देख के पक्का कैसे ऐड हो गई है। तो फ्रेंड्स हमारी चटनी रेडी है जैसे कि आप देख चुके हैं वीडियो में। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी हो रही है। ठीक है तो ये देखिए मैंने चटनी ले ली है। अब मैं बहुत टेस्टी हो रही है भाई, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मुँह का टेस्ट आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी आइए मेरे साथ और टेस्ट करिए। तो फ्रेंड्स आप देख ही चुके हैं मेरी भांग की चटनी कैसे बनी है और मैं आपको दिखाई चुकी हूँ और टेस्ट करके भी दिखाई है। बहुत ही टेस्टी हो रही थी और आप भी बनाइए अपने घर में। अगर आपके पास मिक्सर है, मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है क्योंकि अभी मैं यहाँ जयपुर में हूँ तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं था लाना क्योंकि इतना कैरी करना ईजी नहीं होता। और दिल्ली में तो है मेरे पास, तो हम मिक्सी में बनाते थे पर जो टेस्ट सिलबट्टे का है वो मिक्सर ग्राइंडर का नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये सिलबट्टा मैंने यहाँ से नहीं लिया जयपुर से, ये मैं दिल्ली से कैरी करके लाई हूँ और बहुत डिफ़िकल्ट था लाना। और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ तो मना कर रहे थे कि इतनी दूर क्यों ले जा रहे हो क्योंकि रास्ते में टूट भी जाता है या कहीं पे कहीं ठोकर लगे तो वो टूट जाता है और ठीक नहीं होता। तो मैंने बहुत मतलब मुझे चटनी खानी है तो खानी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी खानी। तो मैंने कहा नहीं मैं लेके जाऊँगी और मैं अपने रिस्क पर लेके जा रही हूँ।
तो मैं वहां से यहाँ लेके आई हूँ सिर्फ चटनी खाने के लिए। तो आप भी शौक हो रहे होंगे पर चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। होप सो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी भांग की चटनी की। तो फ्रेंड्स ये वीडियो व्लॉग यहीं तक का था। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जल्दी से सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के आपको शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद।